Hello friends, welcome once again to my videos on history for class 10th of NCERT textbook. Friends, इस वीडियो में मैं आपके साथ में आपकी textbook के chapter number 4, जिसका कि title है The Making of a Global World, तो इस chapter के questions और उनके answers को discuss कर रहा हूँ. इस वीडियो में मैंने question number 8 और 9 के answers को discuss किया है. तो आइए हम अपनी डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन 8 इज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. यहां पर हमको ग्रेट डिप्रेशन के कॉजेज को बताना है. सो फॉलोइंग वर द रीजंस फॉर ग्रेट डिप्रेशन. नंबर 1, द फर्स्ट कॉज वाज एग्रीकल्चरल ओवर प्रोडक्शन. दिस वाज वर्सेंड बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइस. तो ग्रेट डिप्रेशन का पहला कॉज था एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का ओवर प्रोडक्शन हो जाना. जितनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स की रिक्वायरमेंट थी, डिमांड थी, उससे ज्यादा उनको प्रोड्यूस कर दिया गया. दिस वाज वर्सेंड बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस. और इसमें और भी प्रॉब्लम बढ़ गई जब एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए. पॉइंट नंबर 2, ड्यू टू द रिड्यूस प्राइसेस The income of farmers declined and they tried to maintain their overall income by increasing the volume of the produce. अब जब प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए तो उसके कारण से फार्मर्स की इनकम भी कम हो गई, डिक्लाइन कर गई. अपनी ओवरऑल इनकम को मेंटेन करने के लिए फार्मर्स ने और ज्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया. अब इससे क्या हुआ? पॉइंट नंबर 3, दिस कॉस्ट सरप्लस इन द मार्केट एंड द प्राइसेस फर्दर केम डाउन. अब जब जितनी की डिमांड थी उससे ज्यादा सप्लाई हो गई तो क्या हुआ कि इकोनॉमिक्स का जो रूल हम जानते हैं कि जब डिमांड से ज्यादा सप्लाई हो जाती है तो प्राइसेस कम हो जाते हैं, और ऐसे ही वहां पे हुआ, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के प्राइसेस कम हो गए. नाउ कमिंग टू पॉइंट नंबर 4, देन इन द मिड 1920s Many countries financed their investments through loans from the US. इसके साथ एक और प्रॉब्लम क्या थी कि मिड 1920s में बहुत सारी कंट्रीज ने अपने यहाँ पर US से लोन लेकर के अपने बिजनेसेस को फाइनेंस किया हुआ था. उनके बिजनेसेस काफी हद तक US से आने वाले लोन पर निर्भर करते थे. पॉइंट नंबर 5, एट द फर्स्ट साइट ऑफ ट्रबल द US लेंडर्स पैनिक्ड एंड withdrew their loans. अब जैसे ही US के lenders को थोड़ी सी भी ये लगा, एक भनक लगी कि कोई ना कोई problem international market में होने वाली है, तो वो panic कर गए और उन्होंने अपने loans को वापस मांगना शुरू कर दिया. Point number 6, as a result, the countries that depended crucially on the US loans now faced acute crisis. अब इसके कारण से क्या हुआ कि वो countries जो कि बिल्कुल पूरी तरीके से यूएस के लोन्स पर ही डिपेंड करती थी, उनके यहां पर एक फाइनेंशियल क्राइसिस, एक्यूट फाइनेंशियल क्राइसिस क्रिएट हो गई. पॉइंट नंबर 7, द इंडस्ट्रियल ओवर प्रोडक्शन इन द यूएस एंड यूरोप आल्सो कॉस्ट ग्रेट डिप्रेशन. और ना सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स में ही ओवर प्रोडक्शन हुआ बल्कि इंडस्ट्रियल गुड्स में भी ओवर प्रोडक्शन हो गया, जो कि यूएस और यूरोप के मार्केट्स में हुआ. और इन सब चीजों ने मिला करके ग्रेट डिप्रेशन को बनाया. सो फ्रेंड्स, दीज वर द कॉजेस ऑफ ग्रेट डिप्रेशन. नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 इज एक्सप्लेन व्हाट इज रेफर्ड टू एज G77 कंट्रीज. इन व्हाट वेज कैन G77 बी सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विन्स. तो यहां हमें बताना है कि G77 कंट्रीज कौन सी हैं, और साथ ही हमें ये भी पता लगाना है कि किस तरह से G77 जो कंट्रीज का मूवमेंट था वो ब्रेटन वुड्स ट्विन्स का एक रिएक्शन था. तो आंसर है, G77 रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज, मोस्ट ऑफ विच आर फॉर्मर कॉलोनीज. तो G77 कंट्रीज एक डेवलपिंग कंट्रीज का ग्रुप है जो कि किसी न किसी टाइम में किसी कंट्री की कॉलोनीज रह चुकी हैं. इट कैन बी
सीन एज ए रिएक्शन टू द एक्टिविटीज ऑफ द ब्रेटन वुड्स ट्विंस, बिकॉज अब G77 के बनने को हम ब्रेटन वुड्स ट्विंस का एक रिएक्शन क्यों मानते हैं, इसके क्या क्या रीजन है. नंबर वन, दीज कंट्रीज वर नॉट बेनिफिटेड बाई ब्रेटन वुड्स डिस्ट्रीब्यूशन. अब ब्रेटन वुड्स एग्रीमेंट जो हुआ तो उसके बाद से जो रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसका ज्यादा फायदा इन डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिल पाया. नंबर टू, दे डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम द फास्ट ग्रोथ ऑफ वेस्टर्न इकोनॉमीज एक्सपीरियंस्ड इन 1950s एंड 1960s. इसके साथ साथ 1950s और 60s में जो वेस्टर्न इकोनॉमीज में फास्ट ग्रोथ हुई, फास्ट इकोनॉमिक ग्रोथ हुई, उसका भी कोई खास एडवांटेज इन डेवलपिंग कंट्रीज को नहीं मिल पाया. सो वॉट दे डिड, पॉइंट नंबर थ्री, दे ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स एज ए ग्रुप ऑफ 77 और G77 टू डिमांड ए न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर. तो अब उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, एक अपना ग्रुप बनाया 77 कंट्रीज का, जिसको उन्होंने G77 का नाम दिया, और अपने लिए उन्होंने एक न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की डिमांड रखी. अब इससे उनको क्या फायदा होना था, पॉइंट नंबर फोर, दिस वुड गिव देम रियल कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज, मोर असिस्टेंस इन डेवलपमेंट, फेयर प्राइसेस फॉर रॉ मटेरियल्स एंड बेटर एक्सेस टू देयर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इन द मार्केट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. अब इससे उनको क्या फायदा होना चाहिए था कि उनके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके ऊपर उनको ज्यादा कंट्रोल मिले, उनको अपने को डेवलप करने में असिस्टेंस मिले, और साथ ही साथ उनको जो उनके रॉ मटेरियल्स हैं उनके लिए जो इंटरनेशनल मार्केट में उसको बेचें उसके लिए उनको फेयर प्राइसेस मिले. ना केवल उनके रॉ मटेरियल्स बल्कि जो उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं उनको भी इंटरनेशनल मार्केट में जो कि डेवलप्ड कंट्रीज के हैं वहां पे एक्सेस मिल सके. तो इस तरह से हमने देखा कि जो G77 कंट्रीज का ग्रुप है उन्होंने अपने लिए एक न्यू इकोनॉमिक ऑर्डर मांग करके एक जो ब्रेटन वुड्स ट्विंस थे उनका एक रिएक्शन था. सो फ्रेंड्स, दिस वे वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 8 and 9 एंड देयर आंसर्स. फॉर रिमेनिंग क्वेश्चंस यू कैन सी माय अदर वीडियोस. थैंक यू सो मच.